हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज बनाने जा रही हूँ गाइस पना। पना बनाने के लिए गाइस मैंने आमियां ली हैं, जो खट्टी वाली जो होती है अचार वाली, वो मैंने ली है। तो गाइस इस तरीके से कच्ची आमियां ली है, इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसको बॉइल कर लेंगे। बॉइल करने के लिए कुकर में आपको बहुत ही आसानी से बॉइल हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको आमियां को बॉइल कर लेंगे। और मैंने लिया है पुदीना, और पुदीने को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीसने के बाद इसकी चटनी ऐसे बन जाती है। खाली पुदीना पीसना है और भी इसमें मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालनी है। तो गाइस पना जो है बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। और अगर आपको धूप से बचना है, गर्मी से बहुत पड़ रही है, तो गर्मी से भी राहत मिलेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो गाइस पना कैसे बनाते हैं चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आमियां को धो लेंगे। धोने के बाद इसको इस तरीके से पानी में मैंने रख लिया है। आमियां को कुकर में डालेंगे, इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और कुकर में ढक्कन लगा देंगे। गैस को ऑन करेंगे और गैस पर रख देंगे कुकर। कुकर रखने के बाद इसमें गैस 2 सीटी लगाएंगे, और 2 सीटी लगाने के बाद बहुत ही आसानी से ओवाइल हो जाती है अमिया। तो इसको अमिया को ओवाइल कर लेंगे। सो गैस आप देख सकते हैं कुकर से मैंने निकाल ली है, अमिया ओवाइल हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉयल होने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी मैंने बॉयल वाला भी लिया है। और अमिया को इस तरीके से छील लेंगे। अमिया गैस गर्म है बहुत ज़्यादा, तो मैंने लिए हैं बर्फ के टुकड़े, और इस तरीके से थोड़े से मैं बर्फ के पीसेस डाल दूंगी ताकि अमिया जल्दी ठंडी हो जाए। सो गाइस आइस क्यूब डालने से क्या रहता है कि ये फटाफट ठंडी हो जाएगी और पना बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं कितनी जल्दी अमिया ठंडी हो रही है। अभी तो छूने में ही बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। आप देख सकते हैं गाइस आइस क्यूब कितनी जल्दी पिघल रही है। और इसमें जो छिलका है, और छिलका में इस तरीके से पानी में इस तरीके से निकाल लेंगे, ताकि इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अमिया का रस है इसमें। इस तरीके से इसको निचोड़ लेंगे, और जो अमिया है इसको गुदा जो है इसमें, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अगर आप चाहें तो चाकू से कुरेस्ते भी निकाल सकते हैं, या हाथ से फटाफट निकल आएगा। चाकू से अगर करना चाहें तो चाकू से इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये गुटली गाइस जो होगी आप फेंकिएगा नहीं। जैसे आप दाल बनाते हैं, या कभी भिंडी बनाएं या दाल बनाएं, तो उसमें या सांभर बनाएं, तो आप उसमें गुटली को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गाइस खट्टी होती है गाइस दाल में बहुत ही जल्दी आसानी से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी दाल। इस तरीके से मैंने निकाल लिए हैं और इसको अलग कर देंगे। इसको एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे गुटली को, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह जान सकते हैं कि छिलकों को अलग कर दिए हैं, और इसका अमिया की जो गुटली का वो है रस निकाल लेंगे। इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे और बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो चाकू से इस तरीके से खुरच लेंगे। तो कैसे ये 2 गुटली हैं, इसको एक कटोरी में करके फ्रिज में रख देंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस इसमें आइस क्यूब तो खूब पड़ी है, मैंने पूरी ट्रे के डाल दी है। और इसमें मैं डालूंगी पानी 1 गिलास समथिंग। सो गाइस अमिया का जो वाइल की हुई अमिया थी उसको निकाला था, उसका पेस्ट इस तरीके से मैंने बना लिया है, वो बनके तैयार हो गया है। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था पुदीना का, वो इसमें ऐड कर देंगे। तीन टी स्पून मैंने पेस्ट डाला है। ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास समथिंग। तो 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। पना बनाने के लिए गाइस इसमें मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें डालूंगी मैं नमक, सादा नमक स्वाद अनुसार, जलजीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली
काला नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पिसी हुई आधा टीस्पून से कम, भुना हुआ जीरा गाइस एक चुटकी। इस तरीके से गाइस आप पन्ना बना सकते हैं। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं पन्ना बनके तैयार हो गया है। अभी कंप्लीट नहीं है, आप पूरी वीडियो देखिए तो समझ में आएगा गाइस पन्ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। इसको गाइस छन्नी से छानने के लिए क्या करेंगे, दूसरा बर्तन लेंगे और बर्तन में इस तरीके से छानेंगे। जो भी अवेलेबल आपके पास हो, भगोना हो या कोई भी कटोरा हो वो ले लेंगे। मैंने इस तरीके से ले लिया है फ्राई पैन, और इस तरीके से कोई कपड़ा साफ हो उसमें छन्ना, इस तरीके से बोलते हैं छन्ना, तो इस तरीके से रख लेंगे। और रखने के बाद इसको जो पन्ना मैंने बनाया है गाइस वो इसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे और इस तरीके इसको छान लेंगे। छानने के लिए गाइस क्या रहता है, इसमें जो अमिया का जो ट्रसा होता है, अमिया के जो चितड़े होते हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे ही अगर पियेंगे तो आपको टेस्टी और स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, और बच्चे भी कहेंगे कि ये क्या बना है। तो गाइस इस तरीके से बनाएंगे, तो गाइस ये मैंने इसमें डाल दिया है, अब इस तरीके से इसको छान लेंगे। चाहे तो आपके पास बड़ी छलनी हो उससे भी छान सकते हैं, और ये आपके पास छलनी हो उससे भी छान सकते हैं। इस तरीके से मैं छान रही हूँ और इसको दबा के निकालेंगे। गाइस ये देख सकते हैं कि पन्ना बनके तैयार हो गया है। ये रहा गाइस पन्ना, और छन्नी में आप देख सकते हैं कि छन्नी में इस तरीके से जो अमिया का जो रस है वो ये रस निकला है, और इसमें रेसे हैं, पुदीना का जो जो चितड़े होते हैं वो है। तो ये साफ़ सुथरा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया। इस तरीके से गाइस आप पन्ना बना सकते हैं, और ठंडा तो है, अगर आइस क्यूब कम लग रही है तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो सर्व कर लेते हैं। तो गाइस इसमें पन्ना सर्व कर लेंगे। इस तरीके से गाइज आप देख सकते हैं कि पन्ना बनके तैयार हो गया है। और गाइज ये पीजिए और बच्चों को पिलाइए, और गर्मी में धूप से लू लपट से बचिए, ताकि आप अगर ये पियेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। ये गाइज बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है पन्ना, और इसके पीने से बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं या आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए जैसे धूप लगती है लू लपट से बचने के लिए गाइज इस तरीके से आप पीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। शरीर बहुत अनमोल है और इसके लिए आपके लिए विशेष ध्यान देना है, और इसलिए आप पीजिएगा पन्ना, इस तरीके से बनाइएगा और स्वस्थ रहिएगा। तो गाइज आपको ये रेसिपी कैसी लगी पन्ना की, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल के लिए, और मुझको आगे बढ़ाइएगा। आप लोगों की आशीर्वाद से मैं, आप देख सकते हैं कि मैं मेरे सब्सक्राइबर्स आगे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और व्यूज़ भी आ रहे हैं, और मोनेटाइजेशन पर है मेरा चैनल। मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, और कम्युनिटी ऑप्शन में एक नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ उसमें भी देखिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।